अस्सलामुअलैकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है मेरा बच्चा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बेटा किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? नहीं नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है। बल्कि यहाँ पे इमरजेंसीज को हैंडल कर रही हूँ तो पता चल रहा है एक डॉक्टर की क्या लाइफ होती है। ये बताओ, तुमने मुझे पैसे क्यों भिजवाए? कैसे ना भिजवाती, मेरी पहली सैलरी मुझे मिली थी। आपको ना भिजवाती तो किसको भिजवाती मैं? बस ठीक है, इस बार तो भिजवा दिए ना, आइंदा नहीं भिजवाने। हाँ, जमा करना है मेरी जान पैसे। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप तो मेरा सब कुछ है खाला। खुश रहो, हमेशा खुश रहो, मेरी जिंदगी भी तुम्हें लग जाए। बस अब मैं एक फर्ज से हमकिनार होना चाहती हूँ, चाहती हूँ तुम्हारा घर आबाद हो जाए और तुम्हें ढेरों सारी खुशियां मिले, तभी मैं मातरत के सामने सुखरू होंगी। ठीक है खाला, मैं फिर आपको फ्री होके कॉल करूंगी। अच्छा, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। हो गया आपका सी सेक्शन? अभी करके आई हूँ बस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था, उसका बीपी लो नहीं हो रहा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है दोनों सही हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता आजकल के दौर में भी लोग दाइयों के पास क्यों जाते हैं। इसलिए तो असवन कहता है कि मरीजों का इलाज से ज्यादा उनको एजुकेट करना बहुत जरूरी है, अवेयरनेस आएगी तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगे ना। सही कह रही है। चाय बना रही हूँ अपने लिए, आप पियेंगी? हाँ प्लीज। तुम्हारी खाला कैसी हैं, क्या कह रही थी? बिल्कुल ठीक है, मुझे बहुत याद करती हैं, कह रही थी कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास वापस आ जाओ। वापस जाने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? नहीं। वैसे तुमने अच्छा किया यहाँ ज्वाइन करके, यहाँ का एक्सपीरियंस एक्सपोजर शायद तुम्हें कहीं और ना मिले। सही कह रहे हैं। डॉक्टर, ओ डॉक्टर। एक सेकेंड, अभी इनका ब्लड टेस्ट करवाया, रिपोर्ट्स आएंगे तो हम आगे कुछ करेंगे। पता नहीं रोज इसका टेस्ट होता है, समझ में नहीं आया इसका दर्द से हालत देखिए क्या हो गया। क्या हो गया, क्या हो गया, इतना शोर क्यों हो रहा है? डॉक्टर साहब आप देखिए जरा इसका हालत देखिए।